नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार हिस्ट्री अपडेट में। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षेत्रीय पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्यम गहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोक की राजधानी सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। आपको यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों में से गुजरा। एक रूप में यह राष्ट्रीय में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार है। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरा ध्वज पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ के अनुसार 1905 में यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासक आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्त ऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्ध चंद्र और सितारा भी था। चौथा ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी क्षेत्र के दौरान 1921 में विजयवाड़ा, अब विजयवाड़ा में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरे रंगों का, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। ध्वज वर्ष 1931 में ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज का हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव प्रारित किया। यह ध्वज जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफेद और मध्यम में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी है। छठा ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्य सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्योछावर किए हैं। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।